वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने पहुंचे। बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोगों का हाल जानने के दौरान मिल रही सुविधा के बारे में जानकारी ली। बता दें कि जिला मुख्यालय स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कई स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने खाने के साथ लाइट की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री महात्मा गांधी सेतु होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर के तेरसिया पहुंचे, फिर वहां से वैशाली के तेरसिया गए, जहां महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 1 के पास से बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए टेंट में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे। उन्होंने तेरसिया में चल रहे बाढ़ पीड़ित कैंप, सामुदायिक किचन, पशु शिविर के साथ साथ राहत शिविर का जायजा लिया, फिर पटना निकल गए। बता दें कि सीएम ने शुक्रवार को पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण का जायजा लिया था। जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने और लगातार नाव से मॉनिटरिंग करने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को निरंतर नजर बनाए रखने को कहा है।